ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਔਰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਚੌਟਾਲਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਔਨ ਆਰ ਸ਼ੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਿਗਵਿਜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਆਪਕੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਣਨੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਖਟਖਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਆਪਕੀ ਪਾਰਟੀ ਅਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕੋ ਲੇਕਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਹਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇ ਜੋ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਉਸਕੋ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਰੂਲਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ग्राउंड रियालिटी बने जो वाटर ट्रीटी थी उसके हिसाब से जो हरियाणा के हक का पानी है और ये आज नहीं जब हरियाणा पंजाब का बंटवारा हुआ था तब ये सारी चीजें तय हुई थी हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिले हम कोई पंजाब से कोई भीख नहीं मांग रहे हम अपना हक मांग रहे हैं और हमें अपने हक का अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में केंद्र की सरकार को मजबूरी वर्ष जो है वो सेंट्रल रिजर्व फोर्सेज लगा करके इस नहर को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और हरियाणा का पानी हरियाणा को पंजाब से मिल पाएगा दिग्विजय जी अगर मैं कहूं कि अभी आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं और जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है कि क्या आपको लगता है कि ड्यू टू दिस दिस इज अ रीजन नाउ दिस टॉपिक इज गेटिंग वेरी हॉट नहीं नॉट एट ऑल ये हम निरंतर इस मामले को उठाते आ रहे हैं जी. और समय समय पर इलेक्शन की कोई इसको कनेक्ट नहीं कर सकते आप मुझे लगता है पिछले निरंतर 5 वर्षों से और 5 वर्षों से नहीं जब से सुप्रीम कोर्ट का वाले ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गवर्नमेंट रूलिंग आई है और सबसे हम इस बात को निरंतर उठाते आ रहे हैं कि अब वो सारी चीजें ग्राउंड रियलिटी बननी चाहिए मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा बट मिस्टर चौटाला पंजाब कहता है और पंजाब के पॉलिटिशियन कहते हैं अगर खासतौर पर मैं बात करूं सुखबीर सिंह बादल कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रकाश सिंह बादल वो कहते हैं कि हम एक बूंद भी पंजाब से हरियाणा नहीं जाने देंगे नहीं ऐसा वो नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसको तो उन्हें मानना ही पड़ेगा वो उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकती तो आप भी इस बात से सहमत होंगे क्योंकि जो अदालतें होती हैं अदालतों के फैसले को सर मानने माना जाता है उसको तो मानना ही पड़ेगा तो आपका कहने का मतलब है कि आने वाले समय में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला हरियाणा के हक में सुना सकती है और वहां पर फैसला हरियाणा के हक में आ चुका है सुना नहीं सकती फैसला हरियाणा के हक में आ चुका है अब तो नहर कैसे कंस्ट्रक्ट हो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चर्चा जी 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 मतलब अब जो फैसला आया हुआ है उस पे जो कैनल के ऊपर बात चल रही है कि कैनल आप चाहते हैं कि कंस्ट्रक्ट हो और उसको लेकर भी लगातार जो बात है वो उठ रही है और सुनने में ये भी आ रहा है कि आप चाहते हैं कि 214 किलोमीटर की जो लॉन्ग प्रपोज्ड कैनल है उसको सही तरीके से अब मूव किया जाए आगे जी जो पंजाब के हिस्से के अंदर जो बची हुई कंस्ट्रक्शन है वो पहले पूरी हो जी और उसके बाद आगे बढ़ाए ओके एंड पंजाब पॉलिटिशियंस आर सेइंग कि वी डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट एनी कैनाल वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग एंड वी डोंट वांट दैट आवर वाटर शुड गो टू हरियाणा इट्स नॉट देयर वाटर बेसिकली हरियाणा वाटर एंड दैट्स बीन साइन विद द वाटर ट्रीटी अब वो पानी को पंजाब का कुछ पानी पंजाब मैन्युफैक्चर थोड़ी करता है हाँ. तो ऊपर पहाड़ों से आता है हिमाचल से बेसिकली वाटर ट्रीटी बिटवीन ऑल द 3-4 स्टेट इवन राजस्थान तो दे हैव टू गिव अस वाटर यू नो व्हिच वी डिजर्व एंड व्हिच इज आवर्स इट इज नॉट बेसिकली देयर वाटर ये तो अगर ये हिमाचल अगर कल को ये कह दे
कि हम डैम से पानी नहीं छोड़ेंगे, हमारा पानी है, तो फिर पंजाब क्या करेगा? तो मैं बाय हुक एंड क्रुक यू विल टेक वाटर फ्रॉम पंजाब राइट? निश्चित तौर पर, इसमें तो कोई दोराय नहीं, इसमें कोई दोराय नहीं, पानी हरियाणा का हक है और ये लड़ाई बहुत लंबी चल चुकी है। आई थिंक दिस टाइम इट्स हाई टाइम कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पर फैसला करे और सुप्रीम कोर्ट के यही दिशा निर्देश है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए चाहे उसे आर्मी या सेंट्रल रिजर्व फोर्सेज लगानी पड़े उसे कंस्ट्रक्ट करवाए। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू कन्वे अ मैसेज टू आवर व्यूअर्स दोज हु आर वाचिंग यू राइट नाउ? नहीं, इसमें आई वुड वांट टू से कि हम सब हरियाणा पंजाब जो है वो पंजाब को हम सदैव अपना बड़ा भाई मानते हैं और पंजाब के पास इतना पानी है कि पंजाब फ्लड कर देता है पाकिस्तान में, उसको उस पानी को जो है ना ड्रेन करता है पाकिस्तान में और हर साल हम खामियाजा उसका भुगतते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ता है पाकिस्तान को क्योंकि हम वहाँ के एरियाज को फ्लड कर देते हैं। तो हरियाणा पंजाब का जो भाई है, हम एक ही नेशन के इंटेग्रल पार्ट है और हम नेबरिंग स्टेट हैं, हमें जो है ना मतभेद मनमुटाव दूर कर सकते हैं पर हमें बाउंड्रीज कभी दूर नहीं कर सकती क्योंकि हमें एक साथ बसना है और एक साथ रहना है। सिर्फ कुछ लोगों के पॉलिटिकल गेन या पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए या पंजाब के कुछ पॉलिटिशियन ये कहें कि नहीं हमें ये पानी हम हरियाणा को नहीं देंगे बिकॉज ये पॉलिटिकल इशू बन चुका है। पंजाब के पास ज्यादा पानी है, अब ये कहना मुझे लगता है मुनासिब होगा और आप भी इस बात को जानेंगे कि टेक्निकली भी पंजाब के पास पानी ज्यादा है, प्रैक्टिकली भी ज्यादा है और अब वो हरियाणा को उसका हक दें और अपना छोटा भाई मानकर हरियाणा के लोगों को हरियाणा की प्यासी धरती की प्यास बुझाने का काम करें। आई थिंक ये पंजाब के लोगों को और आपके बहुत सारे व्यूअर्स को समझ भी आएगा जो मैं बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ। हम कुछ अलग नहीं मांग रहे, हम वही मांग रहे हैं जो वाटर ट्रीटी साइन हुई है दो स्टेट के बीच में और दो नहीं बल्कि अन्य स्टेट के बीच में भी साइन हुई है, उसमें हरियाणा का जो अधिकार है। अगर हम दिल्ली का पानी एक दिन के लिए भी रोकते हैं तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और सभी जो अदालतें हैं और सरकारें कितना गंभीर हो जाती है। अगर हरियाणा कल को दिल्ली का पानी रोक देगा तो फिर दिल्ली का क्या हाल होगा? दिल्ली में तो एक बूंद भी पानी नहीं होगा। इसलिए ये सब ना हो, ये पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके लोगों के बारे में सोचना है, दोनों स्टेट के पंजाब के स्टेट के पॉलिटिशियन को हरियाणा के स्टेट के लोगों के बारे में सोचना है। सो मिस्टर चौटाला, डू यू थिंक यू शुड योर पार्टी योर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पार्टी योर सीनियर लीडर्स should talk to Captain Amarinder Singh, to their cabinet ministers, so you guys can sit together and you can make a solution? That time has already been passed and the least we expect is from Mr. Captain Amarinder Singh because he's the one jo Vidhan Sabha mein is issue ko lekar ke aaya tha, jinhone water treaty ko abolish karne ka kaam cabinet se kiya tha aur Vidhan Sabha ke platform pe kiya tha, to wo to destroyer hai. I think unki involvement इसमें ना हो, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व होकर के दबाव डाले। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना चुके हैं उसको अब सिर्फ और सिर्फ रियलिटी बनाना है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चौटाला फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो एज ये मिस्टर चौटाला ओम प्रकाश चौटाला दे पोते और इनेलो इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी दे सीनियर लीडर ने हुण आने वाले समय दे विच सिरसा तो विधानसभा चोणां लड़ सकते हैं, जिन्होंने कहा कि असी पंजाब तो अपना हक लैके रवांगे। हुण कोशिश करांगे कि असी पंजाब तो भी किसी नूं लै लईए, उन्हां दा भी स्टैंड जान लईए कि ओह हुण इस मुतलक की कुछ कहना चाहुंदे ने, लवांगे उन्हां नूं भी इस ब्रेक तो उस पार।